यो भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ गाइज आप सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे गाइज और मजे करेंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक ही टेक्निकल पॉइंट की हमारी नई और ब्रांड न्यू वीडियो में गाइज। और बहुत सारे लोग गाइज यहाँ पर हमें कह रहे थे कि आरिश भाई, जो जिमी है और आप हैं, पूरी फैमिली है, सब ट्रिप पर जाओ, ट्रिप पर जाओ, ट्रिप पर जाओ। तो बहुत सारे लोग गाइज यहाँ पर बोल रहे थे, ठीक है ना। और फिलहाल कोई यार प्लान नहीं बन रहा था। आज गाइज अमेंडा घर पर नहीं है, अमेंडा कहीं बाहर गई हुई और जिमी है साथ में। तो जिमी ने और मैंने शिमला जाने का प्लान बनाया, क्योंकि अभी दिसंबर है तो वहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ रही होगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बर्फ़ पड़ रही है दोस्तों। दिसंबर में भाई बहुत ज़्यादा माहौल मस्त हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि जाएं उधर। इस वीडियो पर बेसिकली मैं आपको बता दूँ, 22,000 लाइक का एम करता हूँ। फटाफट जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो अपने भाई को, आरिश वाइट स्टार नेम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले जिमी से बातचीत कर लेता हूँ मैं। अबे जिमी, हुआ नहीं क्या तेरा? ठीक है, एक तो इसमें पता नहीं क्या हो जाता है यार गाइस, पिताजी ठीक ही नहीं हो रहा यार, ये जब से ट्राई कर रहा हूँ। अरे ये ट्राई तू कर रहा है, ये तो मुझे पता है, पर मतलब हो क्या रहा है इसके अंदर, ये समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ना, एकदम से गेम खेलते खेलते बंद हो गया ये। ऑलराइट, चलो तो जिमी तू रेडी है? नहीं, कपड़ों में जाएगा ना, देख लेता हूँ, चेंज करना होगा अभी, देख लूंगा मैं। चल हाँ, तू जल्दी घर में जरा एक बार गाड़ी देख लो, और मैं थोड़ा कपड़े कपड़े पहन लेता हूँ। अरे सुनो। हाँ बोल। नीचे बाहर मैंने बैग रखा है गाड़ी के, बाहर ही वही बैग डालना, और कोई बैग नहीं लेके जाना। चल ठीक है, ओके, वो मैं कर दूंगा। तो गाइज फिलहाल तो अभी चलते हैं जल्दी से, अभी गाड़ी वाड़ी देखते हैं, हैरियर ही हम लेकर जाने वाले हैं गाइज, क्योंकि हैरियर के अंदर ही मजा आएगा। अमेंडा तो स्विफ्ट डिजायर लेकर चली गई, वो भाई स्विफ्ट डिजायर भी चला लेती है भाई, वो बात अलग है, ठीक है ना दोस्तों। लॉस सैंटोस में भाई मौसम अभी ठीक है, जैसे जैसे बाहर जाते रहेंगे भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। व्हील्स अपने हैरियर के कैसे लग रहे हैं एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। चलो बैठते हैं। अपनी हैरियर तो गाइस सबसे यूनिक लगती है, देख रहे हो भाई, एकदम लो प्रोफाइल टायर, इतने ऊंचे ऊंचे टायर्स, लो प्रोफाइल ने टायर कूड़े, देख रहे हो क्या लग दिया भाई गाड़ी। चलो भाई, मुझे तो एकदम एक नंबर लगते हैं भाई अपनी टाटा हेयर है। और गाइस इसके अंदर जाने में ना यार एकदम गाइस मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। तो चलो एक बार मैं डिग्गी में देख लेता हूँ, बेसिकली ज़्यादा हमें सामान वामान ले जाने की ज़रूरत तो है भी नहीं, ठीक है। आ जाएगा काफ़ी सामान वगैरह दोस्तों इसके अंदर आ जाएगा, तो बेसिकली हमें लेकर जाना है अभी। चलिए मैं सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर जो सामान वगैरह रख देता हूँ, जो जो सामान लेकर जाना है, एक रेड कलर का बैग जो बताया अब यार, पता नहीं एक तो ये कौन कौन यार घर के अंदर आ जाते हैं यार, जाओ चलो। तो गाइज जिमी ने बोला है रेड कलर का बैग है, पता नहीं उसके अंदर बैग के अंदर क्या क्या होगा, एक बार मैं उससे फिर भी जाकर पूछ लेता हूँ भाई, कंफर्म कर लेता हूँ कि वो वाला रेड वाला बैग ही लेकर जाना है, कुछ और ही लेकर जाना है। इधर है जिमी, जिमी चल क्या आया तेरा? अरे अरे चल गया, मैंने एक दो घुसे मारे इसको ठीक हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सा बैग है ये बता? अरे बैग मैंने पीछे की साइड ही रखा यार, वहाँ देखो ना। ओ रेड वाला बैग लेकर जाना है क्या? हाँ रेड वाला ही लेकर जाना है, मैंने कपड़े आपके भी डाल दिए अपने भी। वहाँ पर टेंट वगैरह भी तो लगाना, टेंट तो उठा लेते हैं। हाँ टेंट का सब इसा बैग में रख दिया मैंने। सब कुछ रख दिया है ना? हाँ सब रख दिया है। चल तो ठीक है, तो कॉफी वॉफी वही बनाकर पी लेंगे थोड़ा। वो सब सामान है, मैंने गैस चूल्हा, वो दूसरा एक छोटा सा सिलेंडर आता वो भी ले लिया। चल ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। ये दोबारा बंद हो गया क्या तेरा? क्या हो जाता है इसके अंदर? यही तो दिक्कत आ रही है, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो हो रहा है। चल मैं फटाफट जाकर ना, इतने तू भी तैयार हो जा, मैं सबसे पहले वहाँ के लिए पहले कपड़े पहनता हूँ, उसके बाद रखूंगा मैं सामान। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम कपड़े पहनते हैं, कपड़ों के अंदर आज मैं पहनूंगा, क्योंकि यार वहाँ पर ठंड होने वाली है। तो मैं थोड़ा सा भाई, मैं तो बुढ़ा हूँ, जिमी तो अभी जवान है ना यार, जिमी को कहाँ ठंड लगी, बुढ़े लोगों को ज़्यादा लगती है। ऑलराइट, वैसे सही लग रहा है ना ये भी, सही है जैकेट, ये ज़्यादा सही लग रहा है वह जैकेट, ज़्यादा सही है, इतनी भी ठंड नहीं हो रही, लेदर जैकेट पहन लेते हैं दोस्तों, है ना, वरना लोग बोलेंगे ऐसा क्या मसूरी जा रही हो क्या, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, पता नहीं लोग फिर मजाक बनाने लग जाते हैं, ठीक है ना। जिमी से पूछ लेता हूँ, जिमी देख भाई मैंने तो पहन लिया ये वाला, तू तो जवान है मेरे बेटे, तुझे कौन सा ठंड लगने वाली है? ठंड नहीं लग रही, फिर भी ना एक जैकेट मेरे पास पड़ी है, वो पहन लूंगा मैं। हाँ चल तू ना, हाँ वो जैकेट पहन लियो बेटा, जो मैंने उस दिन वहां से दिलवाई थी, वरना ठंड क्या पता लग जाए, है ना। चल तो आजा फिर नीचे आजा, मैं गाइस फटाफट जाकर जो रेड बैग इसने बोला है वो रेड बैग रखता हूँ, और गाइस फिर हम एक बार अपनी गाड़ी को भी धुलवा लेंगे, धुलवा धुलो के फिर निकलेंगे अपनी गाड़ी को। तो चलिए बैग मेरे ख्याल से इसने पीछे रख रखा होगा, निकालते हैं जल्दी से उसको। और आपको बताया शुभ काम पर जाने से पहले, सबसे पहले तो भाई पता है तुम्हें क्या होता है, पता है ना, समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो? और मैडम जी मेरी बीवी नहीं है, जाकर चली जाओ यहाँ से।
यार जिमी के सामने बस ये आ जाते हैं, मैं क्या ही बोलूं क्या ही बोलूं। एक पैक और लगाऊंगा मैं। माइकल जल्दी लगा यार, दो पैक लगाने हैं ना, दो घुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे रोड दे। चल भाई हो गया हो गया हो गया हो गया, चल जल्दी बंद कर, बंद कर ले इसे, बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, जल्दी बंद कर। चल बस हो गया, बहुत हो गया, चल। उठाते हैं इसके बैग और गाइस चलते हैं फिर चटाक से जल्दी से। सामान तो मैंने रख लिया है, हो गया तू तैयार? फिर चल आ जाओ। बिल्कुल तैयार हूँ मैं, बिल्कुल चलो आ जा जा जा। वैसे मौसम कैसा हो रहा है शिमला का, पता करा कोई दोस्त दास्त गया क्या? तो घर बर्फ गिरी हुई है पहाड़ों पे ऊपर। ओ वो तो भाई बहुत ऊपर होगी ना बर्फ। ये रेड कलर के सूटकेस में सब कुछ है ना? सब है, टेंट टूट सब है। चल ठीक है फिर तो दिक्कत लेते हो यार पिताश्री। आ बैठ, चल गाड़ी में बैठ जल्दी, सब चलना है। मैं सोच रहा हूँ ना अपनी बीस्ट को पहली बार ले जा रहे, एक बार धुलवा लेना। गंदी तो हो ही जाएगी, इससे पहले एक काम करते ना ले ही चलते हैं। अबे नहीं जिमी, पहले धो लेते हैं ना, फिर सीधा हाईवे पकड़ लेंगे। तू बता साफ तो लगी रही है, निकल ही जाएगी। चलाई कहाँ है अभी हमने? वैसे ये लो प्रोफाइल टायर्स अच्छे लग रहे हैं इसमें। लो प्रोफाइल टायर कुड़े, चलो चलो जेती ले चलो। नजरा कर दिया पैर कुड़े, हुल लो डिट हो गबरू। चलो वैसे यार अपने शहर में मौसम इतना मतलब वो नहीं हुआ अभी है ना, यहाँ पर तो गर्मी सी है, तुझे क्या लगता है? वहाँ पर जाकर कैसा मौसम होने वाला है तुझे क्या लगता है? मौसम तो तगड़ा होगा, वहाँ मजा आएगा। वहाँ मजा आएगा, ये बात तो तू सही कह रहा है जिमी। यहाँ नहीं आ रहा है फिलहाल है ना? हाँ, यहाँ थोड़ा नक्शा हो रहा है ना भी, नई जगह जाएंगे। नई जगह जाएंगे तो ज्यादा वो होने वाला है, सही कह रहा है जिमी तू। चलो अरे आराम से भाई, अपनी नई टाटा हैरियर है। लोग पता नहीं यार जिमी कैसे कैसे चलाते, फुद्दू लोग हैं, फुद्दू पिताश्री। अपनी नई टाटा हैरियर है भाई अपना, बहुत आराम से चलानी है जिमी है। हाँ वो तो है। गाइस आज फुल ट्रिप का मजा आपको आएगा, क्यों भाई जिमी इस व्लॉग में हमारे? बिल्कुल, अभी तो ऐसे ही रास्ता हो रहा है, ऊपर पहाड़ियों में बर्फ गिरने वाली है। गिरने वाली है, गिर भी होगी। हाँ ऊपर तो गिर गई होगी। अपने व्हील कैसे लग रहे जिमी? व्हील तो यार एक नंबर है यार, हम गंदी चीजें तो हम लगाते ही नहीं है। ये बात तो सही कह रहा है तू, देख रहे हो। तेल तो ना फुल करा लो यार, क्योंकि रास्ते में फिर ये भैया नहीं कि बार बार रोकनी पड़े। तू करा, बाकी मैंने माता जी से बात कर लिया, वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी है उसको लेके। हाँ ठीक है, तो मेरी बात तो सुन, तू ये करा, मैं जरा एक स्प्राइट पी लूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, पियो तो मैं भी पी लेता, मैं अंकल को बोल दूँ, अंकल तो है नहीं पर मैं खुद ही बदल लूँ। चलो तो गाइस एक स्प्राइट पीते हैं, मैं ग्रीन वाली पीऊंगा क्योंकि मुझे यही ज्यादा अच्छी लगती है, स्प्राइट रास्ता क्लियर है। ठीक है ना अभी, चलो मजा ही आ गया, बढ़ लिया क्या? टंकी फुली थी यार, वैसे इजाज नहीं डला। अच्छा कितना डला है? $20 का डला बस। हाँ $20, हाँ ये तो सही कह रहा है जिमी तू, टंकी फुली थी यार, हमने चलाई कहाँ इतनी है। चल सही है। ओ सपनों में मिलती है, ओ कुड़ी मैंने सपनों में मिलती है। क्या है, एक तो इतना ऑफ रोडिंग का रास्ता है, बस क्या ही बताऊँ यार जिमी में। यहाँ पर ज्यादा सिर दर्दी होती है मेरे ख्याल से। हाँ बात तो सही है यार तुम्हारी, अब है ना। हाँ यहाँ पे भीड़ इतनी होती है ना क्योंकि सारे लोग वहीं जाना चाहते हैं। अब बीच में देखो ज्यादा बर्फ हो गई है, तो जहाँ तक मैंने को सुनने में कि लोगों को जाने भी नहीं दे रहे हैं। हमें तो जानकार हैं, चल अपने हमें तो जाने चाहिए, हमारे तो जानकार हैं, अपने तो जाएंगे, इधर से तो जाना है ना, इधर का इंडिकेटर देते हैं। हाँ दे दो चलो। एक तो बस मौसम भी बस ऐसा ही है, मौसम एक तो थोड़ा आगे जाकर ना खराब ही होता रहता है। सुनो दो लो सेंटोस का मौसम, वो लड़कियां कभी भी मूड बदल सकता है इन दोनों का। हाँ ये तो सही कह रहा है, उस दिन तुमने मेरे को बताई थी यही बात। हाँ ये बात तो जिमी मैंने तुझे बहुत अच्छी बताई थी, इस बात पे तो तुझे अमल करना चाहिए मेरे बेटे। अमल क्या सब करता मैं? अरे यार अब आएगा मजा, मैंने खाने खुले का ना चिप्स चुप्स सब कुछ रख लिया है।
हम पहाड़ों में पहुंच चुके हैं बस। अब सुनो मेरी बात तो सुनो, थोड़ा सा यहाँ पर रुक के चले क्या। अरे पिताश्री बोल, मैंने ना आगे अपने एक दोस्त को बोल रखा है, जो अचकी बचकी है ना, वो उसके पास है ना। हाँ तो वो उसने कहा कि मैं आगे पकड़ा दूंगा रास्ते में। पकड़ा देगा ना। हाँ पकड़ा देगा, उसको लेके जाएंगे और साथ में उसके बिना मेरा मन नहीं लगे। फिर तो ठीक है, कुछ खाए पिएगा क्या? गाड़ी रोको यहाँ पर, चले चल ही लेते हैं यार अभी। चला चल लेते हैं फिर। हाँ हाँ हस्की को लेना यार पहले। हाँ हस्की को तो ले लेंगे, वो तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। फिर वो अकेला घर में रहता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता। हाँ हस्की को साथ लेकर जाना है। मैंने उसको घूमने के लिए वहाँ भेज दिया था, आप ले लेंगे साथ में। उसको देना चाहिए था तेरे दोस्त। अरे हम घर पे ही नहीं थे तो हम क्या करते हैं, घर पे कोई था बिजी था सारे पार्टी में। हाँ ये तो सही, मुझे भी इसलिए भेजा था मैंने। ऐसा लगता है कि मौसम खराब है, बारिश सी हो रही है लग रहा है। हाँ, लग रहा है मुझे। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच यार, आपने हमारी इतनी मदद करी। आपको खांसी वगैरह हो रही है, जाकर दवाई वगैरह ले लो। क्या हुआ? लेट हो रहे यार, चलते हैं फिर। चलो ओके भाई मिलते हैं। ठीक है राजू, मिलते हैं। धन्यवाद। पीछे वीडियो कॉल करूंगा, वहां जाकर शिमला दिखाऊंगा कैसा शिमला है। चलो हस्की ठीक है ना, हस्की हस्की बिल्कुल चाहिए। देखो नजारे लेता है ऐसे ही बीच में आके। राजू बाय बाय। ओके राजू भाई मिलते हैं। तो गाइस एक सीन हो गया यार, यहाँ पर चलते चलते रास्ते में मतलब एक बहुत ही घने बादल। एक तो रास्ते में ना ये पता नहीं चलता है कब बारिश होने लग जाती है, कब रास्ता बिल्कुल हो जाता है। अभी मैं आपको टाइम दिखाऊँ फ़ोन में, ये देखो फ़ोन में पूरे 12 बज रहे हैं दिन के, और घने बादल देख रहे हो गाइस। इस मौसम में गाड़ी को तेज़ चलाने भी सही नहीं है, क्यों जिमी? आराम से गाइस चलानी पड़ेगी, और आराम से क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल आराम से। हाँ ज़्यादा ओवरटेक भी नहीं कर सकते क्योंकि गाइस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। आई होप कि काफ़ी ज़्यादा। ओ ला ला ले, ओ ला ला ले। वो जो फट गए थे मुझे पता है। क्या फट गए थे? अरे वो ही स्लीपिंग बैग्स वगैरह जो कि हम लेने वाले थे। जाकर मैं रुकता हूँ इतने बाहर, तू शॉप से स्लीपिंग बैग्स और जो टेंट वेंट का सामान है ना वो खरीद लियो, समझ रहे हैं? टेंट का तो यार एक टेंट ले ही लूंगा फिर भी, है ना। हाँ टेंट ले क्योंकि एक दूसरा टेंट है उसमें मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि अब हस्की भी है साथ में इसलिए। आप तो हस्की है ना साथ में, हमें कौन सा पता था हस्की आने वाले है। चल इधर का इंडिकेटर दिया मैंने, आज हम पहुँच गए ठीक है। कौन सी शॉप पे मिल जाएगा तेरी साथ? ये भी रोक दो, मैं ले आऊंगा अंदर से इसे। हाँ मिल जाएगा, ये तो हम उनकी दुकान में आ गए, साथ से हस्की लिया था हमने। हाँ हस्की को हमने इधर से ही परचेज किया था गाइस। चलो आ जा जिमी, हस्की को गाड़ी में छोड़ दे, तू आ जा, दोनों चलते हैं हम। हेलो इस शॉप पर तो मिल जाएगा, इस शॉप पर तो हर सामान मिलता है मेरे ख्याल से। हाँ इस पे मिल ही जाएगा, आ जाओ। मैं भी अपने लिए कोई जैकेट वगैरह देख लूँ क्या दूसरी, इसमें यार ठंड नहीं रुक रही। तो मैं तो देख लूँ। वेलकम टू द मोस्ट एक्साइटिंग स्टोरी। हेलो मैडम जी, हेलो। जैकेट दिखा दो जिमी, अच्छी लगेगी मेरे ऊपर ब्लैक जैकेट। आई थिंक यू मेड द राइट डिसीजन। देख कैसा लग रहा हूँ मैं इस जैकेट के अंदर जिमी। अच्छे मस्त लग रहा है पिताश्री। मस्त लग रही है ना, तू पीछे से देख। हाँ कभी फिट है। है ना? हाँ। Your wish is my command. अरे मैडम जी जरा वो दिखाना, एक तो स्लीपिंग बैग दे दो, ठीक है? दो स्लीपिंग बैग चाहिए हमें, और टेंट कितने चाहिए जिमी? दो ही लेने, एक में कहाँ से? दो ही चाहिए, दो ही चाहिए। एक में जिमी और हस्की साथ सो जाएंगे, एक में मैं अकेला सो जाऊंगा, ठीक है? हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। तो मैडम जी अब उनको दो स्लीपिंग बैग्स चाहिए और दो टेंट चाहिए, और कीले वगैरह भी लेनी है या जिमी? कीले वगैरह तो साथ में आते हैं श्री। हाँ कीले वगैरह साथ में, तो अपने पास हैमर वगैरह है क्या? हाँ सब है, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैडम दो तो स्लीपिंग बैग्स दे दो, और दो वो दे दो क्या कहते हैं टेंट दे दो, तो जल्दी से। तूने सामान रख लिया ना सारा? अरे सब रख लिया मैंने, क्यों दिक्कत ले रहे हो? चल जल्दी बैठ। ट्रेवल को भी लेके साथ? क्या करोगे उन्हें लेके यार, दिमाग खराब करेंगे। लगता है तुझे? लगता है सही में, मतलब नहीं देखते है ना, मजा आएगा ट्रेवल के साथ। चलते हैं, वो मेरा पक्का दोस्त है। अरे नहीं नहीं ट्रेवल को मत लेके जाओ यार पिताश्री। अरे यार एक जगह खाली भी है, तुझे तो वो मिल जाएगी ना। टेंट हमने इतने लिए यार, समझा करो वो तो अच्छी जैसे है। वो मेरे साथ सो जाएगा। नहीं नहीं वो यार पत्थर मारते हैं बहुत ज्यादा। क्या करते हैं? पत्थर मारते पत्थर। अरे वो तेरे साथ भी सोएगा ना, मेरे साथ सो जाएगा ट्रेवल। आज की स्मेल घूम फिर के कहीं किसी छेद से मेरे टेंट पे घुस गई तो नहीं घुसी। गाड़ी और चला देंगे, माता जी को पता चला तो मैं और मारेंगे। बेटा बड़े हैं वो, तुझसे इज्जत कर उसकी। उसकी करो
इज्जत। हाँ वो तो कर लूंगा मैं, किसको क्या करनी है। गाड़ी काफी सही चल रही है ना टाटा हैरियर, गड्ढो का तो बिल्कुल भी पता नहीं देती गाइस, बिल्कुल भी पता नहीं देती भाई गाड़ी। ये गाड़ी एक लौती एक ऐसी कार है जो बिल्कुल भी पता नहीं देती है। पता क्या है गाड़ी का पता चलिए। हां ड्राइवर को यार पता भी होगा कि बर्फ बर्फ पड़ रही है नहीं पड़ रही, कैसा माहौल हो रहा है। हां ये बात तो है, उन्हें पता तो होगा यार। हां ड्राइवर अच्छा जानकार बंदा है, यहीं पर रहने वाला है तो उसे ले जाना सही है। देख लो यार ले जाना है तो ले जाओ। हां अब मिलेंगे भी घर पे, वो घर पे ही होगा वो, देख लो फिर है तो चलो। ड्राइवर अपने दोस्त है यार, जिमी ऐसे फ्रेंडशिप करके रखनी चाहिए। नहीं 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 बट यार वो बार बार देखो मेरे को वीडियो में गंदे काम है इनके। क्या कह रहे हैं? अच्छे नहीं है वो, बीड़ी पीते रहते हैं। सनोर नेशनल पार्क ओके, तो इसके अंदर से होता वो रास्ता जाता है। वैसे गाइस टाटा हैरियर ऑफ रोडिंग के अंदर एक नंबर है, एक नंबर जिसको कहते हैं ना वाली गाड़ी है। क्यों भाई जिमी तो कैसे लग रही है? ऑफ रोडिंग के अंदर तो गाइस टाटा हैरियर से ऊपर भाई देखो मुझे तो कोई गाड़ी लगी नहीं फिलहाल अभी तक, तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए। अभी हमें रोड क्रॉस करना है आगे क्या होगा। यहाँ पर भी कैंपिंग, जिन जिन लोगों का बजट नहीं होता बेचारों का, तो लोग यहीं पर टेंट में घुस जाते हैं, ऊपर नहीं जाते है ना। शिमला तो गाइस बहुत कम लोग जा पाते हैं, जिन पे अच्छी गाड़ी है सब कुछ है वो ही जा सकते हैं। गाड़ी जरूरी नहीं गाड़ी के साथ जाए, ट्रैकिंग करके भी जाते हैं और ट्रॉली के साथ भी जाते हैं। हाँ ट्रॉली के साथ, गाड़ी के लिए अलग से स्पेशल वो चाहिए, परमिशन भी लेनी होती है गाड़ी के लिए, परमिशन भी लेनी होती है और बहुत सारे वो चक्कर है गाइस, तो इसीलिए अच्छा ना तो इसलिए हो गया काम। हाँ अपने पास तो गाइस पास है और कोरोना का टेस्ट भी कराना पड़ता है, उसी वजह से यहाँ पर जो है आप तभी जोर से नाक में डंडा दिया वो वाला। कौन सा वाला? जब चेक कर रहे थे। हाँ ये तो होता है, उसने मेरे गर्दन के अंदर तक पाइप दे दी थी। कब? जब चेक कर रहा था मेरा कोरोना टेस्ट। तभी तो होता है जी। मैं चला जाए चचा, क्या बात, बिल्कुल ही तैयार बैठे हो हमारे आने से पहले, क्या हो गया? अरे अरे वो थोड़ी मीटिंग थी यार, वहाँ जाना था, वो मीटिंग कैंसिल होगी। ओ अरे वो क्या कहते हैं, कुछ काम तो नहीं आना तुझे? अरे कती बेला कह दी है तू यार अनु, मेरी बात तो सुन, वहाँ शिमला चलेगा क्या अपने साथ? शिमला जा रहे हो तुम? दारू वारू मस्त है वहीं पे जाके पियेंगे। चल आजा, चल कोई दिक्कत नहीं, चल चल। वैसे कोई भी नहीं, जब जिमी है मैं हूँ और एक हस्की है वो डॉग वो हमारा। अरे कोई दिक्कत नहीं, चल यार। तो मैं यार यहाँ का मौसम समझ में नहीं आता, ट्रेवर बारिश भाई बारिश। अभी तू यहाँ के मौसम की बात कर रहा है, आगे हल्का सा जाएगा ना, पहले यूट्यूब की एंटर मारेगा, वहाँ स्नोफॉल हो रही है। सच बता? हाँ अभी हल्की हल्की चालू हुई है, मैंने पता करा अभी। अच्छा और ऊपर पहाड़ी पे तो भाई बर्फ गिरी पड़ी है। आ जा ट्रेवर, तू दूसरे आगे बैठ जा, आ जा। अरे यार मेरे को पीछे बैठना था, चल आ रहा हूं। कहां इसके जिमी? मैं सोचा अच्छी बचकी के साथ बैठ जाऊंगा। चल कोई नहीं, यहीं बैठ जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बैठ जाना, मैं जब वो बैठा तो है। चल ठीक है ठीक है, चल। तो गाइस सुन यार, ट्रेवर इन द हाउस गाइस, मेरी कार बोले यार, मैं कार विच बैठा हूं। या कार में बैठा है ट्रेवर और मेरा व्लॉग ट्रेवर देख रहा है। सब देख रहा हूं मैं, सब देख रहा हूं। गोप्रो लगाया तूने माथे पे अपने? अरे पिताश्री। हाँ बोल यार, अंदर से आगे से नमकीन दे दो यार। और ड्राइवर जरा से डैशबोर्ड में से नमकीन निकाल कर देना ना, डैशबोर्ड के नमकीन भी लाए हो क्या? अरे नमकीन खाऊंगा मैं अभी। अरे रुक जा पहले, मैं खाऊंगा फिर दूंगा जरूर। यार क्या है पिताश्री? अबे यार दे दे यार, यार बच्चा है यार, दे दे। अरे मजे ले लो, मजे ले लो, दे रहा हूं दे रहा हूं, ये ले पकड़। ठीक है धन्यवाद धन्यवाद। और सुना माइकल यार, आज मतलब प्लान कैसे बन गया तेरा? अरे यार वो पता है ट्रेसी का मतलब ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, तो जिमी बोल रहा था कि पापा जाना है कहीं व्लॉग भी, लोग बोल रहे थे कि कुछ और डालो चैनल पे, कुछ और डालो व्लॉग, अच्छे नहीं डाल रहा माइकल, तो प्लान बन गया जाने का। अरे चल बढ़िया यार, इस बार गेड़ी बुड़ी मैं भी मारा हुआ। हाँ गाड़ी देख, अभी नहीं लिया ना टाटा है। आपको तो आपको लग रही है, बताया तो फ्रैंकलिन ने मुझे तुमने गाड़ी ली है। तो इसी चक्कर में प्लान बन गया, पिस्टी पार्टी और ऊपर मिल जाएगी ना मेरे। कल आया था तो पार्टी में। अरे वो पार्टी तो छोटी मोटी पार्टी थी, मतलब आज की भी तो लेगा। आज की क्या पार्टी लेगा? आज मतलब पांच छह बोतल और आज तो है। क्या रास्ते में कोई ठेका
अपने लिए चल ले पी लियो, उसी में से एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ बाकी ना एक काम करेंगे, पहली यूट्यूब एंटर मारते हैं ना, वहाँ नीचे जाते ट्रोली जाती है, वहाँ पे मिलती हैं। मिलती हैं? हाँ वहाँ से ले लेंगे। चल वहाँ से ले लेंगे। वहाँ से सीन ये होगा, जो वाकई की साइड जाना पड़ता है ना, जहाँ पे वो इंडियन ढाबे हैं। हाँ। वो बड़ी सी मूर्ति है। हाँ। वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से लेके फिर चढ़ते हैं पहाड़ी पे। ठीक है ओके। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आगे मतलब बारिश खत्म हो रही है, देख पीछे देख रहा है कितनी बारिश हो रही है, कम से कम पहाड़ों में कम से कम बारिश तो नहीं होगी। यही तक है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ मेरे ख्याल से ना यही तक है, सुरंग पार करके नहीं होगी भाई। हाँ होनी तो नहीं चाहिए आगे, मुझे नहीं लगता होगी। और बता बेटे जिमी, नजारों का मजा ले रहा है? मजा आ रहा है? अरे बिल्कुल पूरे मजा ले रहा होगा तेरा लड़का। अरे पिता से यार इन्हें चुप करा दो। अरे यार चुप हो जा यार, उसे छेड़ा मत कर यार तू। अरे यार पता नहीं क्या पूछ रहा था इससे, क्या पढ़ा है, क्या क्या पूछ रहा था तू? मैंने बोला क्या पढ़ा मुझे, स्कूल में गया ठीक है, स्कूल में जाने के बाद तुमने कितना बड़ा तो हुआ नहीं है कि भाई तुम जो मैंने क्वेश्चन पूछा इसका जवाब नहीं दे पाए। आगे देख बादल नहीं आ। मैंने ये पूछा पहले मुर्गी हुआ है अंडा? हां बता ही नहीं पाया मैं का, फिर तू बड़ा नहीं हो पाया। तो ट्रेवर ये बोल रहा था बस अबे आगे तो बड़ी धुंध हो रही है यार। अबे भाई यही तो दिक्कत है यहाँ से रास्ते से ना, इसलिए कह रहा हूँ एक बार सुन, वहाँ पे जाके हमें वैसे भी वहाँ जाना है। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी बारिश हुई थी, यहाँ पर तो बारिश रुक गई है ना। हाँ यहाँ तो स्नोसी भी हो रही है। अब सुन मेरी बात, सीधा पहले वहाँ चल, आसर टूटी जाती है वहाँ पे, साइन शुन करने पड़ते हैं दो तीन जगह। हाँ ये बात भी तो है ना, कार ले जाने के लिए क्या आपकी कार की एंट्री में जा रहे हैं और साथ में अपनी। हाँ वो पूछते हैं ना कि हाँ तुम गए ऊपर तो साइन होते हैं। यार मुझे तो मुझे नहीं पता था, मैं तो बस सीधी लेके जाने वाला था ना भाई, नीचे होते हैं वो जरूरत होती है ना उन्हें कि भी यार रिकॉर्ड है, कोविड के चक्कर में करते हैं ऐसे नहीं करते वैसे। और अगर कोई उस टाइम तक वापस ना आ पाया तो उसकी खोज नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम वापस आ जाओ टाइम पे, ये है कि इतने बंदे ऊपर गए हैं उनको रिकॉर्ड रखना अपना। अच्छा अच्छा कि चढ़ाई तुझे पता ना ऐसी है तो भाई दो तीन दिन हो गए नहीं आए तो भाई देखना पड़ता, मर तो नहीं पहले है। यार यहाँ इसलिए पहले एक फॉर्म भरवाते हैं कि भाई तुम अपनी जिम्मेवारी से जा रहे हो। हाँ क्योंकि तुझे पता रास्ते में लाइन वगैरह भी होते हैं और बंदों को ट्रैकिंग फिर भी पसंद है। हाँ ये बात तो तुझे कह रहे हैं। यार ठंड हो रही है ना, हीटर चला दिए जरा। हीटर चला दो कोई दिक्कत नहीं यार, हीटर चला दिए ना, गाड़ी डीजल ज्यादा पीने लग जाती है। पिता श्री चिप्स देना आगे से। अबे रुक तो जा जिमी, कभी ये दू कभी। हाँ बस यही यही अंदर ले ले, यहाँ पहले साइन करा लेते फिर आगे से बोतल उठाते हैं। एक काम कर ड्राइवर, बताऊं क्या? हाँ तू साइन वगैरह करवा ठीक है यहाँ पर रुक के, और ये साइन वगैरह कंप्लीट जैसे हो जाए मैं इतने जाके पीछे जाके ना बोतलें लेकर आ रहा हूँ। ठीक है चल ठीक है, मैं तुम दोनों का नाम लिखवा देता हूँ साथ में। आइडेंटिटी प्रूफ मेरे पास नहीं है तुम्हारी, पर बैग तो है। चल मैं बोतलें वगैरह लाकर तो साइड में रख ही दूंगा, थोड़ा बैग एडजस्ट करना पड़ेगा। अबे ले आधार कार्ड ना गाड़ी के उसी में रखा है, और फोन पे व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ ना, तो व्हाट्सएप वाला वो ये आधार कार्ड दिखा दियो ठीक है, मैं जाकर बोतलें लेकर आता हूं। ठीक है उसकी फोटोकॉपी निकलवा दूंगा मैं। ठीक है जल्दी मैं लेकर आया। ड्राइवर ये देख ले, देख यार पूरी की पूरी सारी की सारी बोतलें। अरे बस बढ़िया यार बढ़िया, सही ये ले आया तू, पेटी खुलवा के खुलाया? अरे वो खुलवा के ना, मैं चेक कर रहा था हो गया क्या वेरिफिकेशन। हाँ वेरिफिकेशन सब होगा, चल चल जल्दी चलो, चल जल्दी चल ठीक। अरे सिर पे क्यों मार रहा है? अब लग जाती है यार, चलो जल्दी आ, तुम्हारे चक्कर में पागल सा हो गया हूँ मैं, बैठ जल्दी। तू पीछे क्या है बैठ रहा है? मैं पीछे बैठ के थोड़ा अच्छी मजे ले लूँ ना। हाँ ये देखेगा पहाड़ जिमी। अरे जबी तो मैं आगे आऊँ, मैं अपना लेके आऊँ, नहीं तो तुम तो आते भी नहीं, इसलिए मैं पहाड़ देखूंगा। अरे धुंध कितनी हो रही है यार, है ड्राइवर भाई ये तो भी कुछ नहीं है, आगे देख पहाड़ पे कैसे चढ़ाएगा। यही तो यार बात है, पहाड़ पर कैसे चढ़ाऊंगा यार मैं। होली होली चलाइयो बस ये सीन है। हाँ चलाऊंगा तो यार ड्राइवर, आराम आराम से, टेंशन क्यों ले रहा है तू? आ बस नहीं चलाई जाएगी, नहीं संभाली जाएगी तो बता दो मेरे को, दे दो गाड़ी कोई बात नहीं है। क्यों तू चला के सामने बेइज्जती हो जाएगी? ओ भाई तो यार भाई पता नहीं कितने टूर लेके जाता है अपनी जीप में। यार जीप की बात अलग है, हैरियर है तो हैरियर भी चला लेंगे जब, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऊपर से जब लकड़ियां ले, जब मैं पहले काम करता था आर्मी से नौकरी आई थी तो ऊपर से लकड़ियां लेके आता नीचे ट्रकों में। सच
सच बता। और क्या, और क्या, तू आर्मी वाला था क्या पहले? बोर भूत नहीं क्या, आर्मी वाला था मैं पहले, फौजी मुंडा। मुझे ऐसा लगता था तू झूठ बोलता है हम सबसे, तो आर्मी नहीं काम करता। आर्मी में था मैं, सालों ने भगा दिया था मुझे। हीरन वगैरह कितने हैं यार, यही तो आराम से चलानी पड़ेगी यहाँ गाड़ी। यार बर्फ तो कहीं भी नहीं है यार, लोग बोल रहे थे बर्फ गिर रही है ऊपर पहाड़ी पे, ऊपर पहाड़ी पे भाई। पहाड़ी पे है, ऊपर पहाड़ी पे मिलेगी ना। और मुझे लगा था इधर ही है। ना 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 भाई, ऊपर पहाड़ी पे। यार ये तो बात है, पहाड़ी पे तो सिर्फ बर्फ देखनी है बस, पहुंचने वाले हैं जिमी। और बता जिमी, तुझे नजारा कैसा लग रहा है इधर का? लोग तो ट्रैकिंग करते हैं। देख ऊपर व्हाइट व्हाइट सा हो रहा है ना, उधर ही बर्फ ही होगी मेरे ख्याल से। यार थोड़ी कंट्रोलिंग में नहीं हो रही गाड़ी, ट्रैवर्स हो गया क्या साला? इसको कहीं ले जाओ, ये तो सो ही जाता भाई। अरे पिताश्री क्यों ले गया, मैं तो कह रहा था। अरे छोड़ ना दोस्त है अपना, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझसे बड़े हैं जी। I know. वो सुन लेगा, चुप हो जा। ट्रेवर, ओ ट्रेवर, यार ये सो गए क्यों उठा रहे हो, ना छोड़ो ना। अबे ट्रेवर, अरे मत उठाओ पिताश्री। रुक जा अबे, काम है। ट्रेवर क्या काम हो गया तुम्हें यार? अबे क्या हाँ बोल यार, इस पे आराम से तेज भाई, हल्का सा पीछे ले पहले, ये तो चढ़ी नहीं रही, हल्का पीछे लेके चलना। रुक जा रुक जा रुक जा, तो 4x4 है यार, वो टायर देखना हवा में पूरा। हाँ तो अब क्या करूँ, पीछे ले हल्की, फिर अब ले जा। अरे हल्का जा पीछे ना ले जा सके के। रुक जा और पीछे ले, फुल आरपीएम पे लेकर जाऊंगा ना मैं गाड़ी को। साइड में मत ले जियो, अकेला आरपीएम काट देगी तेरी लुगाई। पीछे पीछे ले हल्का जी, और पीछे ले। एयरबैग है भाई गाड़ी में, कोई डरने की बात नहीं है। तो गाड़ी की तो डरने की बात है, गाड़ी में, गाड़ी के अंदर एयरबैग है, बाहर थोड़ी है। मैं तू नहीं मानने ला मुझे, गाड़ी के यार पीछे से लेके हल्की जी, पीछे ले ले जाता। अबे रुक तो जा यार, मैं भी तो नया ड्राइवर हूं, भी सीखने दे, नया ड्राइवर नहीं मतलब। चल सही है, चल थोड़ा मतलब गाड़ी यार, अभी नया इंजन है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी ना। नया इंजन है नहीं, गाड़ी तो ही है। देख जिमी हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, देख यहाँ पर ना धुंध खत्म हो गई बिल्कुल। ये दिख रही है, दिख रही है यार। ट्रेवर बर्फ दिखा बच्चों को, बर्फ की तरह बर्फ के साथ जो अगली अगली वाली चोटी पार करो उसमें बर्फ आ जाएगी। मैंने फोटो में देखी थी यहाँ तक। तूने देखी थी जिमी? अच्छा चल यार, चल चल, बात सही कह रहा जिमी। हाँ सही कह रहा है तू, फोटो में देखी थी इसने। कुछ चलेगी थी क्या वो फोटो? मैंने किसी और को भेजी थी। हाँ जिमी को भेजता है तो बेटा, ऐसी ऐसी फोटो मत भेजा। मैं इसको जलाना चाहता था वैसे, इस पहाड़ी के पीछे की साइड से बर्फ गिरने लग जाती है शायद। हाँ मेरे ख्याल से भी मोड़ था आराम से। त्री मोड़ है, त्री मोड़ है, त्री इतनी आराम से चलाना यार। फोटो में मैंने देखा था ना, ये गाड़ियों का एक्सीडेंट भी होगा कहीं होगा। आराम से चलाते हैं, बर्फ में तो फिसलन रहती है मेरे ख्याल से, बर्फ पड़ी है आगे। अरे ट्रेवर यहाँ ऊपर तो भाई एकदम मस्त माहौल हो रहा है। देख मैंने कही थी ना मस्त माहौल ही आगे भाई। अरे पिताश्री रोको ना यार, मेरे को गोले बना के खेलना है। अरे बाद में खेलना जिमी, शिमला पहुंच गए आखिरकार। शिमला में स्वागत है। अरे ऊपर तो स्नोफॉल भी नहीं हो रही, अभी स्टार्ट नहीं हुई क्या? अरे भाई बर्फ गिरी पड़ी ना, स्नोफॉल रुक गई है, गिरती रहती है, यही सीन होता रहता भाई। जिमी बाप को भाई बोलता है। अरे पिताश्री मैं सोचा मैं अपने दोस्त के साथ घूमने आया हूँ। थोड़ा ना तमीज से बोल, ड्राइवर भी है अभी साथ। सिखा अपने बेटे को, सिखा अपने बेटे को। सिखाऊंगा इसे। अरे अंकल जी आप चुप हो जाओ यार। अरे भाई 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 अंदर ऊपर जाके जिमी तू मेरे साथ ना वो लगवाने लग जाइयो। क्या? अरे वो टेंट। टेंट लगा लियो यार इतने तुम। ठीक है अंकल जी लगवा लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। किधर लगाए फिर? ऊपर ही ऊपर लगाएंगे पिताश्री, और कहाँ लगाएंगे? गाड़ी चढ़ भी जाएगी ना ये, रुक जा। स्किट स्किट नहीं कर रही भाई, एक बात है जो गाड़ी बर्फ के अंदर जरा सी भी स्किट नहीं कर रही है। हां गाड़ी तो बड़ी अच्छी लाया भाई तू, सही है। ये देख इनकी ट्रैकिंग खत्म होगी शायद, ये जा रहे हैं। जाओ भाई जाओ, क्या दिक्कत है, हमने रोके ना है, हमारी गाड़ी जाने तो नहीं तो पहले, कोई दिक्कत वाली बात ना, आराम से चलाइए रे। गाड़ी में ना ठोक दिए माइकल। ओहो ले गया, क्या बात है लोंडे, सीख रहा तू मेरे से ड्राइवर ही है। हट जा ना सामने से, ओ हट जा ओ लुगाई। अरे टेंट हटो ना यार, मेरे को घूमने निकलना है बाहर, जल्दी हटो आंटी जी।
अरे क्यों पत्थर पत्थर तोड़ रहा है? चलो भाई पहुंच गए। कैसा लग रहा है? अरे पिताजी पहुंच गए। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। हस्की को निकाल दो बाहर। हस्की को निकालिए, अभी रुक जा, आओ एक ग्रुप फोटो लेंगे। चलो। हाय मैडम जी, एक तो इतनी सारी है, घूमती रहती है। I just got the advance for the next novel. Pegasus is coming back and he's searching for a mate. अरे मेरी साइड एंगल से लियो, मैं साइड एंगल से स्मार्टर लगता हूं। ठीक है। आधे आधे ही आ रहे हैं हम। चलो। हां खींच ले, कैसी भी आ रही है। जिमी आ रहा है पूरा, हम तो पता नहीं फोटो खींचने का भी कुछ। अच्छा जी एक मिनट, सलमान खान वाले पोज में। हां ऐसे खींचो पिताश्री। ऐसे। ओ भाई मैंने नए जूते लिए थे, मेरे जूते भी तो दिखा। अबे क्या करेगा जूते देखकर तू, एक तो फोटो वगैरह खींचने दे दे तुम लोग। हचकी को भी निकाल ले भाई। चल हचकी को निकाल लो। चलो बे बाइक वाइक किस किया बे, हटाओ बे चलो इसे। अरे चाबी लगा के छोड़ रखी इन्होंने यार। अरे पिताजी क्यों छेड़ रहे हो रोगी बाइक यार, रहने दो। अबे फेंक ना इन्हें इधर को, हमें टेंट। अरे ये उनके लिए जिसको ऑफरोडिंग वगैरह करनी है बर्फों में, बाद में करेंगे ऑफरोडिंग। ओ भाई अरे कि जा भाई, रुक जा, क्या खुजली क्यों होगी तेरे को ऊपर आके, बरन घुसगी का पिछवाड़ में। अबे बाइक हटाने दे ना। हटा हटा, एक तो खड़ी नहीं हो रही है, पता नहीं कैसी बाइक है, फिसल रही है ना बर्फों में। हाँ शिमला में आके भाई ये भी फिसलने लग गए। मुझे ऐसा लग रहा है ना स्नोफॉल स्टार्ट होने वाली है ना भाई, स्नोफॉल में थोड़ी देर में होने वाली है भाई, हल्की सी वो हो रहा है मौसम ऐसा। हाँ मौसम भाई लग रहा है मुझे भी ऐसा है ना। हाँ बात सही कह रही है। तो यो गाइस फाइनली हम जो है भाई यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और भाई ड्राइवर भैया फिर कैसा लग रहा है? यार ड्राइवर तूने पिया नहीं कुछ, ये क्या कर रहा है तू यहाँ पर भी आके प्रदूषण फैला रहा है। पहले पहले ये पीऊंगा फिर वो पीऊंगा ना, अरे पोल्यूशन क्या है यार, थोड़ी चिल पिल करना आया तो चिल पिल कर लूं। अपने जो टेंट वगैरह भी लग चुके हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं, ये देखो टेंट भी लग गए, हैरियर अपनी खड़ी है। यार पिताश्री सुनो मेरी बात। हाँ बोल। मैंने कहीं कहीं इसको मत लेकर, देखो कीड़े भी आ गए इसके साथ साथ यहाँ। अरे जिमी हो जाता है मेरे बेटे, थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। तो गाइस पार्टी वगैरह फुल टू नाइट, ऑल नाइट पार्टी, ऑल नाइट पार्टी, ऑल नाइट यहाँ पर चल रही है। आई होप के आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम शिमला में आए, कैसा लग रहा है जिमी, कॉफी कैसी है बेटे? अरे बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल कच्ची मैंने बनाई तो अच्छी तो होगी यार। हाँ कॉफी वगैरह बना लिया है गाइस और पीवा रहे हैं यार, मजा आ रहा है एकदम, पूरा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर शिमला के अंदर। अगर आप सब लोग भी आना चाहते हो तो यार डेफिनेटली आइए, आपका भी स्वागत है शिमला में। ठीक है तो यार गाइस फटाफट जाकर अक्षुभ भाई को भी सब्सक्राइब कर लो और फटाफट सब्सक्राइब हमें भी कर लो। ठीक है तो गाइस मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक कर लीजिए बाय बाय।